लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आगे बीच में प्लास्टिक के फूल रखे थे, शादी रोजाना हो तो क्या कभी शादी हो सकती है, इनको समझा दो ऐसा नहीं चलेगा। इनका कहने का मतलब है आजकल जमाना बदल गया है, शादी का अंदाज बदल गया है, शादी की टाइम लिमिट बदल गई है, आजकल परमानेंट कम और टेम्पररी शादियां ज्यादा, 5 घंटे की शादी, 3 घंटे की शादी, 2 घंटे की शादी, 1 घंटे की शादी और सबसे कम 5 घंटे की शादी। मतलब आबादी मतलब बर्बादी, चली चली रे पतंग चली चली रे, होए इंडिया ने चिंग लिख पोहो महाड़ा रे पोहाड़ा, होए इंडिया ने चिंग लिख टूट गया रे महाड़ा। वो क्या है पंडित जी, अम्बेसडर साहब आने वाले हैं, उनका आशीर्वाद लेकर फिर हार डालेंगे। अम्बेसडर साहब का आशीर्वाद लेना है तो घर जाके लो, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है, हमारे पास टाइम नहीं है और इतने छोटे से काम के लिए इतने बड़े आदमी को तकलीफ देने की क्या जरूरत है। आपको नहीं मालूम कन्या ने एक दफा अम्बेसडर साहब की जान बचाई थी, इसलिए वो यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। अम्बेसडर साहब आ रहे हैं, अम्बेसडर वो नहीं, अम्बेसडर नहीं, गाड़ी में पहले कैसे आ गए? वक्त से पहले नहीं, ठीक वक्त पर आया हूँ, वरना वक्त के इतने बड़े मजाक को कैसे देखता। बात समझो रवि। बात थोड़ी देर से समझा लेकिन समझ तो गया। एक दिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब इंसान हूँ, जिसे दोस्त के ख्याल में दुश्मन और प्यार के धोखे में जहर मिला। मेरी बात तो क्या बात सुनू तुम्हारी, यही कि तुम एक डॉक्टर हो, मुर्दों से खेलते खेलते तुम्हारे दिल की सारी भावनाएं मुर्दा हो चुकी हैं, और तुम सिनेमा की टिकट की ही नहीं, दोस्त बनकर जज्बात की भी ब्लैक मार्केट करते हो। रवि भगवान के लिए इस वक्त खामोश हो जाओ। ज्वालामुखी पर हाथ रखने से उसका मुंह तो बंद नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा हाथ जरूर जल जाएगा। और तुम डॉक्टर साहिबा, जिंदगी देने की कितनी फीस तुम वसूल करती हो ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मौत देने की फीस आज मैं तुम्हें जरूर दे जाऊंगा। और एक बात याद रखना, आज के बाद दिल का ऑपरेशन कभी नहीं करना, क्योंकि तुम सिर्फ दिल तोड़ना जानती हो। रवि रवि जाने दो उसे। जल्दी बैठे, जल्दी जल्दी ना ना। अरे यार झपट कर नहीं लपेट कर, इमरजेंसी में तो सही नाम लिया करो। मेरे क्या मालूम, इमरजेंसी का तो शुरू हो गया ना, तो अभी क्या करेंगे। चलो चलो चला चला गोली चला, चला गोली मारता हूं। गोली हाथ से नहीं पिस्तौल से चला। प्रैक्टिस नहीं चलाने की। अरे प्रैक्टिस करोगे तो लोग मरेंगे ना। मरा मरा, 2-3 तो मरे। अरे वाह मेरे, वो आदमी मेरे को देख कितना कांप रहा है यार। हाथ भी नहीं कांप रहा, तुम्हारे हाथ कांप रहे। क्या बात कर रहा थोड़ी। अरे लगा दे दम। क्या करूं मैं, पुलिस का नाम लेके चला दे गोली। चला चला नहीं चल रही। धक्का तो मार मेरे को और दूर से मार। अरे मेरा पक्का फोड़ दिया, मुझे घर ले जाना था यार। मेरे को भी लेके जाना था यार। चला चला चला। अरे दुश्मन नहीं, अपना आदमी मर गया, कहीं एक को सही मारो। अरे 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 कहाँ भागता, रुक साले। अच्छा हुआ चल। बहुत बहुत शुक्रिया शाका, तुमने हमारा ऑपरेशन कामयाब बनाने के लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। आपका ऑपरेशन तो कामयाब हो गया, लेकिन मेरा ऑपरेशन तो सब गड़बड़ हो गया ना। यार की यारी गई और बेचारी नैना की जिंदगी बर्बाद हो गई।
जी। हेलो हेलो जी, गांजा सिगरेट और शराब ही नहीं, हैवी ड्रग्स भी लिए। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, होश आ जाएगा, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि ऐसी बुरी हालत में ये मकान कैसे पहुंची। वो कहां पहुंची, इन्होंने घर पहुंचाया है। अगर ये साहब ना होते तो न जाने क्या हो जाता। ओ अरे, ये तो रविशंकर हैं, गीत और संगीत की दुनिया के शहंशाह। डोंट टेल एनीबॉडी, मुझे इनका गाना बहुत पसंद है। अरे मैं तो क्या, इनका गाना सुन के मंदिर की मूर्तियां भी नाच उठती हैं। मिस्टर रविशंकर, मैंने तो आपको सिर्फ एक दयालु और दिलवाला आदमी समझा था, लेकिन आप एक इतने बड़े मशहूर कलाकार भी हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। जब मुझे चला जाने वाली भूल गए तो आपने नहीं पहचाना, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। खैर, आपकी बेटी को कितने दिनों से आदत लगी है? मेरी बेटी सीमा अभी कुछ ही दिनों से ऐसी हो गई है। ये देखिए, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में उसे कितने इनामात मिले हैं। सीमा होश पे आ जाए तो आपको देखकर उछल पड़ेगी, संगीत उसकी जान है। सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, मैं बहुत दुखी आती हूं। मैं डॉक्टर हूं लेकिन खुद ही मरीज हूं। मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक ब्रह्मचारी हूं। सर, आप पूछेंगे क्यों, ये बहुत दर्द भरी दास्तान है। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मुझे एक बार गाना सुना दीजिए, मैं हमेशा खुशियों के झूले में झूलता रहूंगा। आई बी हैंगिंग इन हैंगिंग गार्डन, एक धुन सुना दीजिए, मियां की तोड़ी, बीबी का तोड़ा। ये सिर्फ डॉक्टर के ही नहीं, हमारे भी दिली ख्वाहिश है। मिस्टर रविशंकर प्लीज। रोकिए मत, बजाइए ना। जहां दवा ने काम नहीं किया, वहां आपके संगीत ने इसे एक नया जीवन दिया है। मिस्टर रविशंकर, मेरी आपसे एक विनती है, आप कुछ दिनों तक हमारे साथ हमारे घर रहिए, प्लीज। माफ करना। अरे क्या कर रही यार?
ये तुम हो, हालत खराब कर दी क्या? अरे बासमती नहीं, इंदुमती, मैं कुंती मती, जानना क्या हुआ? ए बोल ना, ए बोल ना, ए बोल ना, ए बोल ना, काहे को रोती? कोई मर गया है क्या? कोई मरा नहीं, मैं अपनी मरी हुई तकदीर को कोस रही हूँ। किधर है? नीचे नहीं। अरे कोई नहीं, तुम्हारी चाची ने मारा। चाची ने? एक जमाना था कि मेरे लिए पेडर रोड से लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स तक रिश्ते आते थे, मगर मेरे बाप ने इनकार कर दिया। अरे यहाँ तक कि एक दिन मफतलाल मिल वालों ने मेरी माँ से शादी की बात की, माँ ने भी इनकार कर दिया। तेरी माँ से शादी करने आए थे? तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़े? नहीं नहीं, अकल पे पत्थर पड़ेंगे तो अकल को मार लगेगी ना। अरे मुझसे शादी करने के लिए मेरी माँ के पास गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तेरे से शादी करने के लिए तेरे माँ के पास आए थे, तो कर लेना था ना यार। इतने बड़े आदमी से शादी करते अपने दोनों, कितने मजे होते, रोज नए नए कपड़े पहनते, अपने पैसा होता। तुम्हारी अकल तो खास चली गई है। अगर वो मुझसे शादी करता, मैं उसकी बीवी होती, तो रोज नए नए कपड़े मुझे पहनाता, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं होता। हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। न जाने मेरे माँ बाप को क्या सूझी के बड़े बड़े घरानों के रिश्ते छोड़कर इस निकट टू हेड कांस्टेबल, तुमसे कह रही हूँ, अच्छा। इस निकट टू हेड कांस्टेबल के गले में मुझे घंटी बनाकर लटका दिया, इसी बात को मैं रो रही हूँ। अरे भगवान, इतने साल लग गए तुम्हें हेड कांस्टेबल बनते बनते, न जाने कितने जन्म लग जाएंगे सब इंस्पेक्टर बनते बनते। सुनो क्या है? मैं ये कह रहा क्या था? मैं ये कह रहा है? था? मैं ये अरे क्या है? मैं थक गया यार, ये अचानक तुम्हारे मन में सब इंस्पेक्टर का ख्याल किधर से आया? आज मैं मच्छी बाजार गई थी। काहे के लिए? बड़े बड़े खेकड़े लेने के लिए। मैंने मच्छी वाली से पूछा कि भाई कैसे दिए, तो कहने लगी कि 45 रुपए। मैंने कहा भाई 40 रुपए में दे देना, मैं हेड कांस्टेबल की बीवी हूँ। तो उसने हड़का के निकाल दिया। इतने में एक दूसरी औरत आई और हथेली में 30 रुपए देके लेके निकल गई। ये देखकर तो मैं जल्ला भुन्ना गई। मैंने पूछा भाई मेरे को 40 रुपए में नहीं दिया, उसको 30 रुपए में कैसे दे दिया? तो कहने लगी कि तुम एक मामूली हेड कांस्टेबल की बीवी हो और वो सब इंस्पेक्टर की बीवी है, तुम जल्दी से सब इंस्पेक्टर बन जाओ ना, ताकि मुझे खेकड़े सस्ते मिले। मुझे 1 साल का टाइम दो, मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। 6 महीने का टाइम दो। अरे नहीं। अच्छा 3 महीने का टाइम। अरे फट। अरे अरे बाप का राज है क्या कि चीख मारो तो हवलदार से इंस्पेक्टर बन गया? इसके लिए बड़ा टाइम लगता है, बड़े बड़े केस पकड़ने पड़ते, तुमको क्या मालूम? तो फिर पकड़ो ना। तो कहाँ से पकड़ूं? दुकान पे मिलता जो पकड़ लूं। खेकड़ा क्या? तुम पकड़ते क्या हो? तो मैं क्या करूं साला, जब कोई पकड़ता हूं तो कोई पॉकेट मार मिलता है, रात को बिना बत्ती के साइकिल वाला मिल जाता है, ये कोई केस है? अगर तुम खून का केस पकड़ोगे तो तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी ना। तो हो जाएगी। अरे वाह, तो चलो मैं किसी का खून कर देती हूँ, तुम मुझे पकड़ लो, तुम्हें इंस्पेक्टर की वर्दी में देखकर मैं बहुत खुश होगी। अरे वाह वाह वाह, क्या बीवी मिली है, ऐसी 2-4 बीवी मिल गई तो कब का फांसी ही पे लटक गया होता। अरे कमबख्त, तेरे को मालूम है खून की सजा क्या होती है? क्या होती है? फांसी। तू खून करेगी तो फांसी पे लटक जाएगी, तो फिर मेरी वर्दी किधर से देखेगी? आसमान की खिड़की में से? नहीं नहीं, देखो तुम कुछ भी करो लेकिन जल्दी से सब इंस्पेक्टर बन जाओ, मेरे खेकड़े मुझे। अरे लहरत भेजो तुम्हारे खेकड़ों पे, मैं तुम्हारा खून करूंगी अगर जल्दी से सब इंस्पेक्टर नहीं बने तो, समझा?